और जब यहाँ ये दस रात जो दस दस रकात की जो तरावी का फैसला किया गया है उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो हरम में जो हरम शरीफ में ये साहब ये इट इज दस इज द मिनिमम, आप ज्यादा जा सकते हैं। और बाय द वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर प्रेड, रसूल एक घर में पढ़े और बाहर मस्जिद में भी पढ़े और वापस घर में पढ़े, टू शो दैट दिस इज नॉट, आई विल बी फ्रैंक, मैं पढ़ता हूँ 10 और 8, मैं कभी 20 नहीं पढ़ा जिंदगी में, एक दो दफा मैंने पढ़ा पढ़ता हूँ, और तहज्जुद के बाद करना है तो मैं घर में जाता हूँ। सो दिस इट हैज नॉट अफेक्टेड इस्लाम, समझे? आप 10 पढ़ सकते हैं और बाकी आप घर में पढ़ सकते हैं। तो ये इट इज नॉट इवन क्लियर, जो इंस्ट्रक्शंस आए थे या एडवाइस आया था इट वाज नॉट वेरी क्लियर। अभी मैं परसों अगर आप मुझे फोन करेंगे देन आई विल टेल यू कि 10 या 20, समझे? लेकिन ये चीजों को पकड़ते हैं और दूसरी चीजें नहीं देखते हैं कि क्या इस मुल्क में, और ये मुल्क में जो चीज हुआ साहब, ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन फ्रॉम सोसाइटी दैट वाज, जिसको कहते हैं वेरी स्लैक और क्वाइट, और आके लीडरशिप ने आके कहा कि देखो डोंट डिपेंड ऑन वन प्रोडक्ट वो ऑयल, आप दूसरी चीजें में डाल दीजिए, इसके माने कि आप पे नए चैलेंजेस आते हैं। नमाज का कहा, उन्होंने कहा कि वो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट सऊदी अरब की एंटी इस्लामिक मूव की कि वो माइक्रोफोनों को लाउड स्पीकर्स को कम किया, आपने सुना ये? आई वॉज वन ऑफ द पीपल हु वेलकम्ड इट, इट इज टू अदान इज गुड, अदान शुड बी देयर, सही कि नहीं? लेकिन जो नमाज है तो व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द पीपल आउटसाइड, आप नमाज के लिए यू डोंट नीड अ लाउड स्पीकर, एवरी मॉस्क वॉन्ट्स टू हैव 18 लाउड स्पीकर, आपने ये देखा? एक इंडियन स्टेट में मैं गया तो मैंने देखा कि काफी जी आवाज आ रही है, जो इंडियन स्टेट में मैं गया तो मैंने देखा कि एक के पास 12 वो है लाउड स्पीकर, तो दूसरे मस्जिद ने 15 लाउड स्पीकर बनाया। तो अभी हाँ जी जी ये है सूरत हाल है, इस्लाम की जो असल रूह है तालीमात है वो हम उससे बड़ी हद तक वाकिफ नहीं, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है।